दे 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 नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं। मंडी में बड़ी मात्रा में सब्जियों की आपूर्ति हुई है। सब्जियों के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कुछ सब्जियों के भाव गिरे हैं तो कुछ के बड़े भी हैं। उसमें भिंडी शामिल है जो 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पहले बिक रही थी, अब रेट में आज तेजी है, 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में बिक रही है। तो कुल मिलाकर इस तरह के उतार चढ़ाव सब्जी मंडी में अक्सर देखने को मिलते हैं। और आज मंडी में टमाटर के भाव में और गिरावट देखने को मिली है। कल जहाँ 350 रुपये तक टमाटर मंडी में बिक रहा था, आज मंडी में टमाटर का रेट मैक्सिमम 300 रुपये प्रति क्रेट है और 250 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में सोलन सब्जी मंडी में आज टमाटर बिक रहा है। तो टमाटर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा से टमाटर सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है। जब से हरियाणा से टमाटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हुई है, तब से टमाटर के भाव में ज़बरदस्ती गिरावट देखने को मिली है और गोभी के रेट में मंदी की आवाज़ें आनी शुरू हो चुकी है। पहले 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी, तो अब देखते हैं कि किस 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ही बिक रही है। और सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त हम आपको तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। मंडी में टमाटर की आपूर्ति लगातार जारी है। हरियाणा से टमाटर सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है और हरियाणा से जब से टमाटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हुई है, तब से टमाटर के भाव में गिरावट देखने को मिली है। तो सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह की रौनक है मंडी में वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सब्जियों की बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त हो रही है। बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में टमाटर पहुँच रहा है। हरियाणा का टमाटर मंडी में और 300 रुपये तक रेट है। कुछ अन्य दुकानों का भी पता करते हैं कि वहाँ पर किस भाव टमाटर बिक रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। 250 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में टमाटर के भाव सोलन सब्जी मंडी में, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि टमाटर की कोई कमी सोलन सब्जी मंडी में नहीं है। बड़ी मात्रा में टमाटर की आपूर्ति मंडी में हो रही है और कुछ दिनों बाद लोकल टमाटर की आपूर्ति भी शुरू होगी। हालांकि अभी सीजन के लिए थोड़ा वक्त है। और लाला जी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, तो उनसे जानेंगे कि टमाटर की। नमस्कार जी भाई, टमाटर क्या रेट चला हुआ? टमाटर ये बढ़िया टमाटर है जी, ये 250 रुपए और 300 रुपए बिक रहा है ये टमाटर। बढ़िया टमाटर, हाँ जी। तो टमाटर के रेट में काफी गिरावट है, तो टमाटर अब ऐसा है जी, फसल जो है आपकी, मतलब ये लाडवा भी रश पे है, पंजाब में भी संडौरा भी हो गया। अच्छा। और जगह भी, मतलब दो तीन जगह और भी चल पड़े हैं टमाटर, इसलिए ये अभी 15-20 दिन कोई उछाल आने का संभावना नहीं है जी टमाटर में। मतलब उसके बाद अगर कुछ फसल जैसे अगर कुछ होगी कमजोर तो कुछ चांस है, अदरवाइज कोई अभी चांस नहीं है जी, कम से कम। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। और 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक मंडी में टमाटर के रेट चले हुए हैं और आने वाले 10-15 दिनों तक इसी तरह के भाव रहने की संभावना है, जिस तरह का बताया जा रहा है। सोलन सब्जी मंडी में आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। खरबूजा भी मंडी में बड़ी मात्रा में इस वक्त पहुंच रहा है। तरबूज भी सोलन सब्जी मंडी में, क्योंकि गर्मियां इस वक्त अपने चरम पर है और गर्मियों की जो फ्रूट है वो सोलन सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में इस वक्त पहुंचा हुआ है। यदि हम रेट की बात करें, आम क्या रेट है? 70 और ये पपीता, तरबूज 15 रुपये, खरबूजा 25 रुपये, 25 रुपये। और तरबूज, खरबूजा सबके दाम, क्वालिटी आप देख सकते हैं, तो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, अच्छी क्वालिटी का फ्रूट इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। क्वालिटी शानदार है और रेट भी ठीक ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी महंगा रेट में तेज़ी भी फ्रूट के देखने को मिल रही थी। और सेब सोलन सब्जी मंडी में सेब का क्या रेट चला है? 1300 रुपये, 130 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में। सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंडी में आज टमाटर 300 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में टमाटर बिक रहा है। शर्मा मीना राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश खांडेले जी, अमित शर्मा जी,
तो सबका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है सोलन सब्जी मंडी से। इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की आप देख रहे हैं। टमाटर बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है। हरियाणा से टमाटर की आपूर्ति हो रही है। टमाटर के भाव में अब गिरावट देखने को मिल रही है। टमाटर में पहले तेजी थी, अब 250 रुपये से लेकर 350 रुपये प्रति क्रेट तक टमाटर सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। आने वाले दिनों में टमाटर के भाव में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि जिस तरह से मानना है कि 10-15 दिनों तक रेट में अब फिलहाल कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। यदि हम अन्य सब्जी की बात करें तो गोभी मंडी में आज बिक्री है 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। गार्लिक 160 रुपये तक सुबह सुबह का रेट है, मैक्सिमम रेट 160 रुपये है और 80 रुपये से शुरू हो रहा है। कल 170 रुपये तक भी एक लॉट बिके हैं मंडी में। और इसके अलावा मंडी में हम बात करें, भिंडी में तेजी है 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और हरा धनिया मंडी में 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। मूली 35 रुपये प्रति किलो की, 30 से 35 रुपये के बीच में रेट बने हुए हैं। शिमला मिर्च 10 से 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, घी 14 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, कद्दू 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, करेला 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और बैंगन 20 से 25 रुपये के बीच में, मटर 50 से 55 रुपये के बीच में। सोलन सब्जी मंडी में नींबू 130 रुपये है, अदरक 150 है और टिंडे 25 रुपये है, 35 रुपये हैं और टिंडा 25 रुपये है और मंडी में काली तोरी 25 से 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक्री है। खीरा 10 से 12 रुपये के बीच में, बंद गोभी 14 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, 14 से 15 रुपये के बीच में सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है। तो धन्यवाद जी, बहुत बहुत और आप लोगों का, सभी दर्शकों का दिन शुभ हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना।